भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा को पद से हटाने और आरएएस भर्ती परीक्षा परिणाम 2018 के संदर्भ में मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। जी, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के वो उठते बैठते बोलते समय सिर्फ और सिर्फ उनके निशाने के ऊपर संघ रहता है। अब संघ उनके निशाने के ऊपर है, इसके दो ही कारण है। एक तो ये कि सोनिया गांधी जी को खुश रखकर और अपने पद के ऊपर बना रहना चाहते हैं, और दूसरी यह कि आने वाले समय के अंदर उनकी विधानसभा क्षेत्र के अंदर संघ ही उनको चुनौती देने वाला है। इन दो के अलावा तीसरा कोई कारण नहीं है। लेकिन जिन तरीके से राजस्थान के अंदर आपके ऊपर संगीन आरोप लग रहे हैं, या कहता हूं कि भर्ती के ऊपर संगीन आरोप आपके ऊपर, आपके बेटे के ऊपर, आपके इंस्टीट्यूट के ऊपर लगे, संगीन आरोप पुस्तकालय की भर्ती के अंदर भी लगे, और अब आरएएस के अंदर भी अपने रिश्तेदारों को अधिक अंक दिलाने के आरोप भी आपके ऊपर लग रहे हैं, थोड़ी सी नैतिकता और थोड़ी सी संवेदनशीलता या थोड़ी सी भी मर्यादा आप में है तो सबसे पहले आपको घोषणा इस बात की करनी चाहिए कि मैं रिजाइन देता हूं अपने पद से। पहले इसकी पूरे मामले की जांच कराए, और जांच के उपरांत यदि आप निर्दोष हो तो आप एक विभाग क्या पांच विभाग राजस्थान के संभालिए। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान के लाखों युवा आपको निशाने के ऊपर ले रखा है, क्योंकि भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई आपकी कार्यशैली है, और कम से कम अपनी कार्यशैली को सुधारने के लिए और राजस्थान की जनता के हितों को देखते हुए अपने आप को निर्दोष साबित करना अगर चाहते हो तो पहले रिजाइन दे और उसके बाद में जांच कराए, तभी जाके और आपके ऊपर लगे हुए इन कलंकों से मुक्ति मिल पाएगी।